मिक्स ट्रैवलर्स, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग जगह के आके आराम से चिल कर सकते हैं। दिस इज़ द कॉमन एरिया, काफ़ी कलरफुल थीम के साथ बनाया है। डॉर्मेट्रीज वगैरह में जो बंक बेड्स होते हैं वो आपको इजीली 300 या 400 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं एक दिन का। चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। हम अपने बागे वाले होटल में पहुंच गए हैं। एक्चुअली ये होटल ही हॉस्टल्स है, यहाँ पे आपको डॉर्मेट्रीज में बेड वगैरह भी मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको प्राइवेट रूम्स भी मिल जाएंगे। तो हमने जो बुक करा है वो है प्राइवेट डबल बेडरूम, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि ये वाली जर्नी में मैं हॉस्टल में भी रुकूंगा, 3-स्टार कैटेगरी में भी रुकूंगा, 4-स्टार में भी रुकूंगा और 5-स्टार में भी रुकूंगा, ताकि हर तरीके के बजट, हर तरीके के फाइनेंसेस आप देख सके मेरे वीडियो के माध्यम से। तो ये वाला जो रूम है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है रूम नंबर 103। तो ये है हमारा लगेज, ये सारा लगेज है, ये रूम नंबर 103 है। कुछ इस तरीके का लगता है रूम, आप देख सकते हैं, काफी स्वीट सा है, काफी सिंपल, काफी क्यूट सा रूम है। बहुत ही अच्छे तरीके का थीम इन्होंने दिया है, व्हाइट एंड येलो, एंड कुछ इस तरीके का लगता है इधर से ये रूम। आप देख सकते हैं सारी जो बेसिक एमिनिटीज हैं, बेसिक चीजें हैं, सारी चीजें दी हुई हैं। एयर कंडीशनिंग भी है, अभी देख लेते हैं एयर कंडीशनिंग कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। टीवी वगैरह तो यहाँ पे नहीं है, जस्ट बिकॉज कि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही रात बिताना है, एक ही रात हम रुकेंगे, इसलिए मैंने इसको बुक करा है हॉस्टल को, ताकि आपको एक हॉस्टल का भी एक्सपीरियंस दे सकूं, क्योंकि ये काफी बजट फ्रेंडली भी होता है। यहाँ पे आपको देखिए वार्डरोब वगैरह है, कबर्ड वगैरह मिल जाते हैं, कबर्ड आपको खोल के दिखा देते हैं, ठीक है। काफी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं हैंगर्स वगैरह दिए हुए हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ एक लॉकर भी मिलता है, ताकि आपके वैल्यूबल चीजें सेफ रहे, आप इसमें अपना वैल्यूबल और कीमती सामान रख के इसको लॉक कर सकते हैं, वो काफी सेफ रहेगा। हैंगर्स वगैरह भी दिए हुए हैं, सारी चीजें दी हुई हैं। कलर थीम और बैकग्राउंड तो काफी सही लगा मुझे इस रूम का। अब चलिए वॉशरूम भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक फुल लेंथ साइज मिरर है तैयार वायर होने के लिए, स्पेशली फॉर द लेडीज। फॉल सीलिंग वगैरह है, फैन वगैरह सभी चीज चल रही है। अब चलिए आपको वॉशरूम दिखा देते हैं, वॉशरूम भी काफी इम्पोर्टेंट रहता है। वॉशरूम इज डीसेंट, काफी अच्छा है, काफी साफ सुथरा है, काफी नीट एंड क्लीन है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कुछ इस तरीके का रहेगा वॉशरूम, जितने भी बेसिक फीचर और एमिनिटीज होनी चाहिए सारी चीजें हैं। आप देखिए यहाँ पे बाथ इनक्लोजर भी दिए हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट इनका ड्राई और वेट सेगमेंट सेपरेट है, तो बाथरूम गंदा होने का भी चांस बहुत कम है, सॉइल नहीं होगा बाथरूम, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। जितने भी फीचर हैं सारे मॉडर्न फीचर्स दिए हुए हैं वॉशरूम में, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। तो ऑन एंड ऑल अभी तक तो ये काफी सही लगा मुझे। लेट्स सी अब इनका सर्विस कैसा है, बाकी और भी जो इसके बढ़िया फीचर्स है और बढ़िया इन्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर हॉस्टल का, मैं आपको कंप्लीट रिव्यू में बता दूंगा, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड द वीडियो। अभी रात के बज रहे हैं 10:30, तो मैं अभी आपको वो व्यू नहीं दिखा पाऊंगा जो आप देखना चाहेंगे, तो मैं आपको सुबह पूरा प्रॉपर्टी का टूर करा दूंगा, कंप्लीट टूर करा दूंगा, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फैसिलिटीज है। यहाँ पे बहुत सारे मिक्स ग्रुप के लोग आते हैं और एक साथ रहते हैं, ये है हॉस्टल का कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने इसको चुना है। तब तक वीडियो पे बने रहे, प्रॉपर्टी का सारा टूर मैं आपको कल सुबह कराता हूँ। एंड यस, जाते जाते हैव नो फियर व्हेन गप्पू इज हियर। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, कसा है पब्लिक, जोहार और कैसन बाड़ा रवा लोग। मैं अभी गोवा के बागा वाले एरिया में हूँ और यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी में स्टे किया है। प्रॉपर्टी का जो रूम टूर है वो तो मैंने आपको पहले दिखा दिया है, लेकिन अब मैं आपको सारी प्रॉपर्टी का एक टूर करा देता हूँ। अगर आपको मेरी गोवा की कंप्लीट सीरीज देखनी है तो आप मेरे चैनल घुमक्कड़ गप्पू पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको गोवा से रिलेटेड सारे एपिसोड मिल जाएंगे। ये देखिए, ये बागा एरिया है, काफी फेमस एरिया है गोवा का। यहाँ से जो बागा बीच है, इट्स लाइक 800 मीटर पे बागा बीच है आपका, और उसी के पास आपको ये रेडिसन होटल दिखेगा। ये देखिए रेडिसन होटल आपको दिख रहा है, और उसी के ठीक अपोजिट ये गली जाती है जो मेरे प्रॉपर्टी तक आपको लेके जाएगी। प्रॉपर्टी तक जाने वाला जो रास्ता है थोड़ा सा पथरीला है, थोड़ा सा उतना सही नहीं लगेगा आपको, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज गोवा में अगर हैं तो काफ़ी इंटीरियर्स हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है, इट्स नॉट, ये कोई होटल और रिजॉर्ट नहीं है, ये गोस्ट टॉप्स करके एक ब्रांड है जो एक हॉस्टल का कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, ये है बिल्डिंग बाहर से, आप देख सकते हैं वहाँ पे गोस्ट टॉप्स लिखा हुआ है। इनका जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रैवलर्स और सोलो ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी रिनाउंड चेन है ये गोस्ट टॉप्स। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या दो लोग हैं, इनफैक्ट कपल भी हैं, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉर्मेट्रीज के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, साथ ही साथ अगर आपको प्राइवेट रूम्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके का लगता है ये हॉस्टल बाहर से। अगर आपको एक बजट फ्रेंडली स्टे चाहिए गोवा में,
तो आप इसको चूज कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह काफ़ी नॉमिनल है, चार्जेस वगैरह बहुत ही कम है। डॉर्मेट्रीज वगैरह में जो बंक बेड्स होते हैं वो आपको इजीली 300 या 400 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं एक दिन का। बाकी अगर आप खुद का अपना रूम लेना चाहते हैं तो वो 900 से 1000 या 1100 तक मिल जाएगा, डिपेंडिंग आप कौन से सीजन या कौन से मंथ में आ रहे गोवा। यहाँ पे देखिए ये इनका रिसेप्शन एरिया है, विच इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ लॉबी। काफ़ी अच्छा, काफ़ी कलरफुल थीम के साथ बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने सिर्फ वन नाइट के लिए स्टे करा है, कल हमने चेक इन करा। द स्टाफ्स वर वेरी मच पोलाइट, काफ़ी फ्रेंडली थे, काफ़ी हेल्पफुल थे एंड वेल बिहेव भी थे। ये रहा इनका रिसेप्शन एरिया एंड वहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी का नाम। लॉबी एरिया में आपको थोड़ा सा प्लेइंग एरिया मिल जाता है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं यू कैन हैव सम गेम्स, चिल फॉर सम टाइम। ये पूरा का पूरा आपका ट्रैवलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये अगर आप कुछ एलीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, आई विल बी डिसअपॉइंटिंग यू ऑन दिस। ये देखिए काफ़ी कलरफुल चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं, जब तक आपका चेक इन प्रोसेस हो रहा है यू कैन सिट अराउंड। देखिए आप देख सकते हैं इनके जो चेन्स हैं ना कि सिर्फ गोवा में है बल्कि और भी बहुत सारे लोकेशन है वहाँ पे भी है, आप चेक कर सकते हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पे एंड अभी तक इट्स गोइंग वेल, रियली वेल। तो चलिए आपको और भी इनके बाकी एरियाज दिखा देते हैं। ये इनका कॉमन एरिया आ जाता है जहाँ पे सारे ट्रैवलर्स, मिक्स ट्रैवलर्स, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग जगह के आके आराम से चिल कर सकते हैं। दिस इज़ द कॉमन एरिया, काफ़ी कलरफुल थीम के साथ बनाया है। ये बेसिकली आपका सोलो ट्रैवलर वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पे रूम सर्विस और रेस्टोरेंट एरिया एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये गलत होगी। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कैसे आप एक इंडिपेंडेंट सोलो ट्रैवलर की तरह ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ओवन वगैरह दिया हुआ है, आप यू कैन गेट योर थिंग्स हियर एंड गर्म करके खावा सकते हैं। वाटर कूलर भी है, अपनी बॉटल लेके आइए, खुद ही भरिए। अगर आप बेल बॉय को बुलाएंगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी यहाँ पे। एंड वाईफाई का स्पीड भी काफ़ी अच्छा था, कल मैंने यूज़ किया एंड आप अपना काम भी कर सकते हैं, वर्क लाइफ के साथ साथ आप गोवा को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और ये रहा इनका कॉमन एरिया एंड दैट्स अमेजिंग। रिसेप्शन से जब आप आगे जाएंगे तो आपको राइट साइड में लिफ्ट दिखेगी, ये लिफ्ट आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगी और लेफ्ट साइड में सीढ़ियां मिल जाएगी आपको। ये देखिए बाहर की साइड और भी बहुत सारे स्पेस है जहां पे आप हैंग आउट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, यू कैन हैव सम क्वालिटी टाइम। ये देखिए कुछ इस तरीके के बैठने के बेंचेस बने हुए हैं, काफी यूनिक टाइप से कुछ बेंचेस, कुछ टेबल और कुर्सियां यहाँ पे भी लगी हुई हैं, कुछ वुडन टेबल एंड कुर्सियां यहाँ पे भी लगी हुई है, काफी यूनिक सा लगा मुझे, इट्स लुकिंग नाइस। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे सिटिंग एरिया है। अब आ जाता है इनका पूल एरिया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे पूल वगैरह भी होगा बट पूल भी है इनके पास, ठीक है। देखिए दिस इज द पूल एरिया, ठीक है उतना रैविशिंग नहीं है, उतना वाव नहीं है बट मैनेजेबल है, एटलीस्ट पूल तो दिया है इन्होंने, मैंने तो पूल की उम्मीद भी नहीं की थी बट पूल साइड एरिया भी इनका, विच इज़ गुड। थीम जो है काफ़ी कलरफुल है बट ये जो मेन चीज़, जो मेजर चीज़ है जिसके लिए हॉस्टल काफ़ी पॉपुलर है ये है इनके चार्जेस रेट्स वगैरह के लिए। गोवा में आपको बहुत चीप रेट में ये हॉस्टल्स मिल जाएंगे एंड ये गोस्ट स्टॉप्स अभी काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है, रिनाउंड कैटेगरी है इस टाइप के कॉन्सेप्ट में। बहुत ही कलरफुल थीम के साथ बनाया है इन्होंने अपने स्ट्रक्चर को। तो ये था कंप्लीट टूर एंड रिव्यू हमारे हॉस्टल का जो हमने गोवा में बुक किया है बागा वाले एरिया में। एंड अभी तक तो हमने वन नाइट स्टे करा यहाँ पे, सिर्फ एक रात कुछ घंटे के लिए हमने बुक करा था बिकॉज हमें सिर्फ सोना था, तो उस केस में ये तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ के जो स्टाफ्स वगैरह हैं, जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं या जो स्टाफ्स हैं या जो केयर टेकर हैं, उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा, अमेजिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन, काफ़ी पोलाइट, वेल बिहेव्ड। तो ये सारी जो चीज़ें अगर आपको मिलती है तो आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस निकल के आता है एंड सेम चीज़ हमारे साथ भी हुआ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे रिजॉर्ट टूर एंड रिव्यू वाले सीरीज़ को देखने के लिए, पसंद करने के लिए मेरे चैनल मॉन्क अंडरस्कोर गप्पू पे। मैं आपको फ्यूचर में भी इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ और यूनिक प्रॉपर्टीज़ और यूनिक जगहें आपको दिखाते रहूँगा एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। तब तक आप सभी को स्वस्थ रहे, स्टे हेल्दी एंड यस हैव नो फियर व्हेन गप्पू इज हियर। बाय बाय।